अभी तक जो हम कर रहे थे वो हमें भिन्न रूप दिया गया था, हमने उसको दशमलव पे बदला था। अब हमें क्या बोला गया है कि इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि हम आपको दशमलव रूप देते हैं, इसको भिन्न रूप में बदल कर लिखो। तो कैसे लिखेंगे, आ जाओ देखो। सबसे पहले बदलने के लिए, भिन्न रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक जमा में दो बटे में दस, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आसान बनाने के लिए यहां देखो, जो ये एक है, एक रहा, ठीक है, एक यहाँ इसके नीचे लगा दिया। आप लोगों को बताया हुआ है कि जिस संख्या के नीचे कुछ ना हो हम क्या करेंगे, एक लगा देते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, ध्यान दो, इस वाले दस से हम इसको भी गुणा कर देंगे और इसको भी गुणा कर देंगे। तो ध्यान दो, दस लिखा बटे में दस, अब जमा में दो बटे में दस, दस। अब इसको आसान बनाने के लिए देख लो, ये दस दस दो बार है, तो एक बार लिख लिया, जैसे हम एलसीएम से निकाल लेते हैं, लिख लिया, और ये क्या है, यहाँ पे ये दोनों क्या किए, जमा किए, जमा। हुआ। अब इसको देखो आप कैसे करेंगे, ये जमा करके कितना हो गया, बारह बटे में दस, दस ये लिख क्या। अब दशमलव लगाएंगे तो कैसे होगा, हमने बारह लिख लिया, अब यहाँ देखो ये दस है, एक जीरो है, तो एक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, ऐसे होता है। पर हमें तो भिन्न रूप लिखना था, लिखना था ना, तो बस यही आ गया, हो गया, कट जाएगा, तो इसको हम काट के लिख लेते हैं, दो छिक बारह दो पंच दस, कट गया, ये हमारा भिन्न रूप में लिख दिया हमने, बस यही तो था हमारा क्वेश्चन, समझ आया कि अब तक हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हम भिन्न को दशमलव में बदल रहे थे, और अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें क्या किया, हमें दशमलव रूप दिया गया था, हमने भिन्न रूप में लिख दिया, लिख दिया, ध्यान देखो कैसे लिखा है, बस।